बिसमिल्ल रन रही असल वेलकम बैक और लेक्चर नंबर थर्टी थ्री लेक्चर नंबर थर्टी थ्री में आज हम देखेंगे आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट क्या होती है इसको एप्लीकेशन है इसकी आई एम अच्छा जी आई एम इसका आप कह लें कि ये हम एक न्यू सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं आज ठीक है और न्यू uh, सेक्शन ये इतना बड़ा नहीं होगा दो या तीन लेक्चर्स होंगे इसके बारे में तो देखते हैं जी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट क्या होती है AWS Identity and Access Management is a web service that helps you securely control access to AWS resources. You use IAM to control who is authenticated and authorized to your resources. अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने एक account create किया AWS के ऊपर और उसके ऊपर मैं login कर रहा हूँ। मैं login किससे कर रहा हूँ? Root user से। सबसे पहले जब आप account sign up करते हैं, तो आप email address से जो है वो sign up करते हैं, ठीक है? तो वो जो आपका फर्स्ट अकाउंट होता है वो आपका क्या होता है रूट यूजर होता है ठीक है जी रूट यूजर के पास आपके एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की तमाम परमिशंस होती हैं। आप कुछ भी रूट यूजर जो है वो उसके ऊपर कर सकते हैं उसके बाद आप क्या कहते हैं आप कहते हैं जी यार मैंने जो है ना एक हमारा जो क्लाउड का अकाउंट है उसके ऊपर मैंने एक हेल्प डेस्क के हमारे पास कुछ लोग हैं या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के कुछ लोग हैं या एचआर मैनेजमेंट के कुछ लोग हैं आप क्या कहते हैं एक हेल्प डेस्क का ग्रुप क्रिएट करते हैं उसके अंदर दो चार यूज़र एड करते हैं आप कहते हैं कि यार एडमिनिस्ट्रेटर ने जितने भी ई सी टू वर्चुअल मशीन्स क्रिएट की हुई हैं या वी पी सी क्रिएट किए हुए हैं उनको जस्ट वो रीड ऑनली देखता रहे या उनकी मोनिटरिंग करता रहे उनके ग्राफ्स वगैरह देखता रहे तो आप क्या करते हैं एक हेल्प डेस्क का ग्रुप क्रिएट करके उसमें दो तीन इंप्लॉयज़ जो भी हैं उनको ऐड करके जस्ट रीड ऑनली एक्सेस आप दे सकते हैं कि वो इसी टू इंस्टांसिस को रीड ओनली कर सके सिर्फ उनको देखता रहे वो ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे उनके ग्राफ्स वगैरह मोनिटर करता रहे तो ये हम कर सकते हैं ठीक है जी रूट यूजर के अलावा भी हम अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं व्हेन यू फर्स्ट क्रिएट एन ए डब्ल्यू अकाउंट यू बिगिन विद अ सिंगल साइन इन आइडेंटिटी डेट हैज़ कम्प्लीट एक्सेस टू ऑल ए डब्ल्यू एंड रिसोर्स इन द अकाउंट दिस इज़ कॉल्ड ए अकाउंट रूट यूजर एंड इज़ एक्सेस्सड बाई साइन इन विद द ई एड्रेस एंड पासवर्ड डेट टू क्रिएट द अकाउंट ठीक है जी वही बात मैं जो आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट टाइम जब आप साइन इन करते हैं तो आप एक ई एड्रेस से जो है वो साइन इन करते हैं और वो क्या होता है हमारे पास रूट यूज़र होता है उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो ए की सारी सर्विसेज जो हैं वो ए की उनको एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है ए की जितनी भी सर्विसेज हैं जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको जो है वो एक्सेस कर सकता है ये रूट यूजर के पास अथॉरिटी होती है ए डब्ल्यू एस स्ट्रॉंगली रिकेमेंड अच्छा इसके बाद अगर आपको यूज़र क्रिएट करते हैं फॉर एक्जाम्पल मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ काशिफ़ या फैसल जो भी है फ़ैसल एक यूज़र में क्रिएट करता हूँ और उसको मैं परमिशन देता हूँ कि वो सिर्फ इसी टू इंस्टांसिस को रीड कर सके तो वो जब लॉग इन करेगा ए डब्बू एस मैनेजमेंट कंसोल के ऊपर तो वो सिर्फ़ इसी टू इंस्टांसिस को रीड ही कर सकता है मीन्स कि वो कोई इंस्टांस क्रिएट नहीं कर सकता कोई इंस्टांस डिलीट नहीं कर सकता ठीक है वो सिर्फ उनको जो चल रहे हैं उन्हीं को रीड कर सकता है आप ये कर सकते हैं अगर वो कहता है मैं एस थ्री सर्विस भी अब ओपन करना चाहता हूँ वो ओपन नहीं कर सकता ओपन भी नहीं कर सकता जब मैंने उसे रीड एक्सेस ही नहीं दी हुई तो वो कैसे ओपन करेगा ए डब्ल्यू एस स्ट्रांगली रिकमेंड डैट यू डू नॉट यूज़ द रूट यूजर फॉर योर एवरी डे टास्क इवन द एडमिनिस्ट्रेटर वान्स ए डब्ल्यू एस आपको रिकमेंड करता है जी कि आप फर्स्ट जब अकाउंट क्रिएट करते हैं उसके बाद एक और अकाउंट क्रिएट करें जो कि आपका एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हो आप उस एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से सारे अपने डेली टास्क जो है वो <coughs> करें ठीक है जी तो उसके बाद देखते हैं आई एम फीचर्स आई एम गिव्स यू द फॉलोइंग फीचर्स शेयर्ड एक्सेस टू योर अकाउंट यू कैन ग्रांट अदर पीपल परमिशन टू एडमिनिस्टर एंड यूजर यूज रिसोर्स इन योर एडब्ल्यू एस अकाउंट विदाउट हैविंग टू शेयर योर पासवर्ड और एक्सेस की यू कैन ग्रांट अदर पीपल परमिशन ठीक है आप जो आपने एक यूज़र क्रिएट किया है आप जो फॉर एग्जांपल आपने जो फर्स्ट अकाउंट क्रिएट किया है डब्ल्यू के ऊपर आपने एक अकाउंट क्रिएट किया और मैंने उसके ऊपर एक अपना ईमेल एड्रेस दिया था आप लोगों को याद हो अगर वो मेरा क्या हो गया रूट यूज़र हो गया अब मैं चाहता हूँ उसके ऊपर मैं किसी और यूज़र्स को भी परमिशन दूँ मैं कहता हूँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं ओसान एक यूज़र है ऊस्मान को परमिशन देना चाह रहा हूँ आप बिल्कुल ऊसान का यूज़र क्रिएट करें उसके ऊपर परमिशन लगाएँ वॉट एवर सारा डिटेल्स से हम देखेंगे किस तरह से इसको परमिशन वगैरह हम असाइन करते होते हैं और वो ये नहीं होगा कि आपका जो <coughs> आपका जो रूट यूजर है उसी का जो पासवर्ड है या उसी की एक्सेस कीज होंगी उससे आप लॉगिन कर सकते हैं ऐसा नहीं होता जो आप नया यूजर क्रिएट करेंगे उसका एक अपना पासवर्ड होगा वो अपने पासवर्ड से लॉगिन कर सकता है और इसके बाद एज ग्रैनुलर परमिशन यू कैन ग्रांट डिफरेंट परमिशंस टू डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज़ ठीक है ए के ऊपर बहुत सारी सर्विसेज हैं हमारे पास डिफरेंट सर्विस डिफरेंट रिसोर्स के लिए डिफरेंट परमिशन आप ग्रांट कर सकते हैं फॉर एग्ज़ैम्पल आप चाहते हैं कि Amazon EC2 और S3 के ऊपर जो है मैं कुछ यूज़र्स को एक्सेस देना चाहता हूँ कुछ यूज़र्स को डाटा बेस डाटा बेस के ऊपर एक्सेस देना चाहता हूँ कुछ यूजर्स को जो है वो मैं सिर्फ रीड ऑनली एक्सेस देना चाहता हूँ S3 थ्री बकेट्स के ऊपर हम डिटेल से पढ़ चुके हैं S3 थ्री बकेट्स एस थ्री बकेट्स के ऊपर आप परमिशन देना चाहते हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं और 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 परमिशन टू एडमिनिस्टर जस्ट सम समी टू इंस्टांस या आप कहते हैं यार मैं कुछ इसी टू इंस्टांस के ऊपर परमिशन देना चाहता हूँ वो भी आप कर सकते हैं तो ये सारा डिटेल से हम देखेंगे किस तरह से ग्रैनुलर परमिशन जो है वो हम असाइन करते हैं यूजर्स को और ग्रुप्स को सिक्योर एक्सेस टू ए डब्ल्यू एस फॉर एप्लीकेशन डेट लर्न ऑन amazon ec2 you can use iam features to securely provide credentials for applications that run on ec2 instances these credentials provide permissions for your applications to access aws resources Example include s3 buckets and dynamodb tables अच्छा आप ये भी कर सकते हैं कि एक आपका रिसोर्स है फॉर एग्जांपल ec2 इंस्टेंस आप चाहते हैं कि ec2 इंस्टेंस जो है वो आपके s3 बकेट को एक्सेस कर सके तो ये भी पॉसिबल है हम लोग कर सकते हैं देखेंगे इसको भी मल्टीफेटर अथेंटिकेशन यू कैन ऐड टू फैक्टर अथेंटिकेशन टू योर अकाउंट एंड टू इंडिविजुअल यूजर्स फॉर एक्सप्रा सिक्योरिटी आप लोगों को अच्छी तरह पता है मल्टीफेक्टर अथेंटिकेशन क्या होती है वो भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने रूट यूज़र के ऊपर भी कर सकते हैं और डिफरेंट फर्दर दूसरे यूजर्स के ऊपर भी कर सकते हैं विद एम एफ ए यू और योर यूजर्स मस्ट प्रोवाइड नॉट ओनली अ पासवर्ड और एक्सेस की टू वर्क विद योर अकाउंट बट आल्सो कोड फ्राम अली कन्फिगर्ड डिवाइस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में बेसिकली क्या होता है मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूँ फॉर एग्जांपल आपने गूगल ऑथेंटिकेटर का आप लोगों को पता होगा या आप जी मेल पर आप टू फैक्टर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करते हैं उससे क्या होता है जी आपने जब लॉगिन किया तो उसके बाद लॉगिन करने के बाद आप उसमें एक मोबाइल डिवाइस एक ट्रस्टेड डिवाइस है वो ऐड कर देते हैं कि जब भी मैं लॉगिन करूं मुझे उस डिवाइस के ऊपर भी एक मैसेज आए कि आप लॉगिन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते अगर करना चाहते हैं तो येस yes, प्रेस करें अदरवाइज नो no. तो इससे क्या होगा आपके फॉर एग्जांपल मैं मैंने एक मोबाइल डिवाइस से अपनी पर्सनल डिवाइस वो ऐड की हुई है मेरा ईमेल हैक हो गया है या मेरा ईमेल जो है वो पासवर्ड ईमेल पासवर्ड दोनों हैक हो गए हैं किसी और यूज़र के पास चले गए हैं वो यूज़र लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो लॉगिन नहीं कर सकेगा क्यों अगर मैंने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल की हुई तो मेरे पास क्या आएगा एक नोटिफिकेशन आएगा मेरे मोबाइल पर जब तक मैं मोबाइल से भी येस yes नहीं करूँगा तब तक वो यूज़र लॉग नहीं कर सकता ठीक है जी तो आपकी सिक्योरिटी जो है वो इससे क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है आपके अकाउंट की आइडेंटिटी फेडरेशन यू कैन अलाउ यूजर्स हु ऑलरेडी हैव पासवर्ड्स एल्सवेयर फॉर एग्जांपल इन योर कॉर्पोरेट नेटवर्क आप आइडेंटिटी फेडरेशन भी इनेबल कर सकते हैं फॉर एग्जांपल आपने एडब्ल्यू एस के ऊपर आई एम का जो फीचर है आप इसको यूज करते हुए आप कहते हैं जी मैं चाहता हूं कि मेरे जो एक्टिव डायरेक्टरी कॉर्पोरेट नेटवर्क में या एमेजोन के ऊपर ही जो एक्टिव डायरेक्टरी मैंने क्रिएट की हुई है उसके अंदर जो यूजर पड़े हुए हैं ठीक है वहाँ से जो भी यूज़र्स हैं उन सबको मैं एक्सेस देना चाहता हूँ अमेजोन मैनेजमेंट कंसोल के ऊपर कि वो उनकी अथेंटिकेशन कहाँ से हो रही हो एक्टिव डायरेक्टरी से हो रही हो तो आप ये भी कर सकते हैं अगर आपने यूज़र्स आई में क्रिएट नहीं किए हुए आप एडी से करवाना चाह रहे हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं उनकी अथेंटिकेशन आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन फॉर एश्योरेंस इफ़ यू यूज़ AWS CloudTrail एस क्लाउड see log records लॉग रिकॉर्ड्स information about those अबाउट made requests मेड रिक्वेस्ट फॉर your इन योर अकाउंट अच्छा आप ये भी मैनेज कर सकते हैं देख सकते हैं उनके लॉग्स देख सकते हैं आपने फॉर एग्जांपल दस यूजर्स क्रिएट किए हुए हैं कुछ यूजर्स फाइनेंस के हैं कुछ हेल्प डेस्क के हैं कुछ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के हैं कुछ और आई के हैं आप उन यूज़र के रिकॉर्ड जो है वो मैंटेन करना चाहते हैं कौन सा यूज़र कब जो है वो लॉग इन कर रहा है कब जो है वो लॉग ऑफ कर रहा है आप ये सारी डिटेल जो है देख सकते हैं फ्री टू यूज़ ए डब्ल्यू एस आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट इज़ अ फीचर ऑफ़ योर ए डब्ल्यू एस अकाउंट ऑफर्ड एट नो एडिशल एडिशनल चार्ज अच्छा जिसके अंदर आप जो भी यूजर्स ग्रुप्स क्रिएट परमिशन क्रिएट करते हैं उसके कोई चार्जेज़ नहीं है चार्जेस आपको सिर्फ ए डब्बू एस प्रोडक्ट्स के हैं जब वो आपके यूजर्स ए डब्ल्यू एस प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे होंगे तो उन प्रोडक्ट्स के अगर कोई चार्जेस हैं तो वही चार्जेस होते हैं ना कि यूज़र क्रिएट करने के आपको चार्जेस होते हैं एक्सेसिंग आई एम आई एम को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं ए डब्ल्यू एस मैनेजमेंट कंसोल से एक्सेस कर सकते हैं द कंसोल ब्राउजर बेस्ड इंटरफेस टू मैनेज आई एम एंड ए डब्ल्यू एस रिसोसेस अभी तक आपने देखा होगा मैं गूगल क्रोम जो मेरे पास ब्राउजर है मैं उस ब्राउजर से ए डब्ल्यू एस मैनेजमेंट कंसोल को एक्सेस करता हूँ वहाँ से भी हम आई एम को एक्सेस कर सकते हैं और सेकेंड वे आपके पास क्या जी ए डब्ल्यू एस कमांड लाइन टूल्स कमांड लाइन से भी आप ए डब्ल्यू एस मैनेजमेंट कंसोल को एक्सेस कर सकते हैं आई थिंक मुझे याद पड़ता है मैंने एस थ्री को शायद आप लोगों को दिखाया भी था कि एस थ्री बकेट्स के अंदर हमने जब एक रीजन से दूसरे रीजन में डाटा कॉपी uh, किया था और हम हमने जो है वो ए डब्ल्यू एस कमांड लाइन टूल से एक्सेस किया था ए डब्ल्यू एस को तो खैर दोबारा एक डिटेल लेक्चर होगा इसके बारे में यू कैन यूज़ द ए डब्ब्ल्यू एस कमांड लाइन टूल्स टू इशू कमांड्स एट योर सिस्टम्स कमांड लाइन टू परफॉर्म आई एम एंड ए डब्ल्यू एस टास्क आई एम के आप यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं ए डब्ल्यू एस के डिफेंट टास्क कर सकते हैं ए डब्ब्यू एस कमांड लाइन टूल से यूजिंग द कमांड लाइन कैन भी फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट दैन द कंसोल ऑबवियसली ये ज़्यादा कन्वीनियंट है जी और द कमांड लाइन टूल्स आर ऑल्सो यूजफुल इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड स्क्रिप्ट दट परफॉर्म ए डब्ल्यू एस टास्क को ये आप फर्दर स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं वो भी आप कमांड लाइन टूल के थ्रू कर सकते हैं

यूज़र आपका कौन होता है एंड यूज़र एंड यूज़र्स मीन जो यूज़र आपके आप क्रिएट आप करते हैं या जो यूज़र रिमोटली बैठ के आपके ए डब्ल्यू एस मैनेजमेंट कंसोल को एक्सेस कर रहा होता है वो यूज़र कौन होता है एंड यूज़र होता है ये वो उस यूज़र की बात नहीं हो रही जो कि ई सी टू इंस्टांस में आप यूज़र क्रिएट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर वो यूज़र नहीं है ये ए डब्ल्यू एस मैनेजमेंट कंसोल को एक्सेस करने की बात हो रही है उसको जो भी यूज़र एक्सेस करता है वो क्या यूज़र होता है एंड यूज़र होता है ग्रुप्स देखते हैं जी uh, चले मैं आपको वैसे मेरा मूड लिया था कि मैं नेक्स्ट लैब एक लेक्चर में लैब रिकॉर्ड करवाऊं लेकिन आज के लेक्चर में मैं एक दो यूज़र आपको क्रिएट करके बता दूंगा बाकी डिटेल से जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लैब को डिस्कस करेंगे ग्रुप्स अ सेट ऑफ़ यूज़र्स अंडर वन सेट ऑफ़ परमिशंस आप ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं ग्रुप के अंदर फिर आप परमिशन जो है वो उस ग्रुप के ऊपर लगाएंगे और ग्रुप के अंडर जितने भी यूज़र्स होंगे वो परमिशन उन तमाम यूज़र्स के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही होंगी आप यूज़र uh, के ऊपर सेपरेट परमिशन अटैच करना चाहते हैं साइन करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं आप ग्रुप्स के ऊपर करना चाहते हैं आप ग्रुप्स के ऊपर भी कर सकते हैं एक वक्त में एक यूजर एक ग्रुप के अंदर आप ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट है जी रोल्स यू कैन क्रिएट रोल्स एंड कैन देन असाइन डेम टू एडब रिसोर्सेज आप रोल्स भी क्रिएट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि यार आपका जो है ना आप एक रोल क्रिएट करते हैं कि आपके जो EC2 सी टू हैं वो आपके एस थ्री बकेट्स को एक्सेस कर सकें ये आपने एक रोल क्रिएट कर दिया आप एक और रोल क्रिएट करते हैं आप कहते हैं कि यार आ, मेरे जो आई एम की अथेंटिकेशन है आई एम यूज़र्स की अथेंटिकेशन वगैरह वो कहाँ से हो रही हो मेरी जो ए डी है ए डी के अंदर जो यूज़र्स हैं वहाँ से अथेंटिकेशन हो रही हो तो ये आप एक रोल क्रिएट कर सकते हैं पॉलिसीज और डॉक्यूमेंट डेट डिफाइंस वन और मोर परमिशंस अब वो परमिशंस वो आप कहाँ पे डिफाइन करते हैं जी पॉलिसीज के अंदर डिफाइन कर रहे होते हैं आपकी जितनी भी जो भी परमिशंस वगैरह होती हैं आई ए एम आई एम इज यूनिवर्सल डज नॉट अप्लाई टू रीजन एट दिस टाइम आपको अच्छा आई एम मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हम कोई भी सर्विस यूज करने से पहले ऊपर क्या करते हैं रीजन सेलेक्ट करते हैं तो आई एम के लिए आपको रीजन सेलेक्ट नहीं करना पड़ता ठीक है आई ए एम क्या ग्लोबल है आपके पास द रूट अकाउंट इज सिंप्ली अकाउंट क्रिएटेड वैन फर्स्ट सेटअप योर ए डब्ल्यू एस अकाउंट इट हैज कम्प्लीट एडमिन एसेस ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ रूट अकाउंट क्या होता है न्यू यूजर्स हैव नो परमिशन वैन फर्स्ट क्रिएटेड जब आप एक न्यू यूजर क्रिएट करते हैं तो उसके पास कोई भी परमिशन नहीं होती जब तक आप उसको खुद से कोई परमिशन असाइन नहीं करते न्यू यूजर्स आर असाइंड एक्सेस की आई डी एंड सीक्रेट एक्सेस कीस्ट क्रिएटेड जब आप अपना भी रूट यूज़र अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको फर्स्ट टाइम एक एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की ये दो आईडीज़ होती हैं ये आपको असाइन की जाती हैं ये आपने क्या करना होता है अच्छा जब आप न्यू यूज़र क्रिएट करते हैं तब भी आपको ये एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की आईडीज़ जो हैं वो असाइन होती हैं न्यू यूज़र क्रिएट करते साथ ही जैसे ही आईडीज़ आपको शो होती हैं आप इन आईडीज़ को अपने पास सेव कर लें क्योंकि सीक्रेट एक्सेस की जो है वो वन टाइम शो होती है उसके बाद जब आप इसको चेंज कर देंगे अपनी स्क्रीन तो फिर आपकी सीक्रेट एक्सेस की क्या हो जाएगी डिसअपियर हो जाएगी आपको दोबारा से एक्सेस की आई और सीक्रेट एक्सेस की आई जनरेट करवानी पड़ेंगी एक्सेस की आई और सीक्रेट एक्सेस की आपकी यूज़ कहाँ रही होती हैं चलिए नीचे आई थिंक मैंने लिखा हुआ है दे आर नॉट द सेम एज अ पासवर्ड एंड यू कैन नॉट यूज़ द एक्सेस की आई एंड सीक्रेट एक्सेस की टू लॉग इन इन द कंसोल अगर आपने कंसोल के अंदर लॉग इन करना है ए मैनेजमेंट कंसोल के अंदर जिस तरह से मैं लॉग इन कर रहा होता हूं उसके लिए आपको एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की की ज़रूरत नहीं होती उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए होता है अगर आप कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हैं ए मैनेजमेंट कंसोल को तो वहाँ पर आपको एक्सेस की आई और सीक्रेट एक्सेस कीज चाहिए होती हैं ठीक है जी वहाँ पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड काम नहीं करेगा अगर आप कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं यू कैन यूज़ दिस टू एक्सेस ए डब्ल्यू एस वाए पी आई लैंड कमांड लाइन ए पी आई के थ्रू या कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं तो फिर आपको एक्सेस की आई डी और सीग्रेट एक्सेस की एंटर करनी पड़ती है वहाँ पर कैसे जनरेट करते हैं देखेंगे हम लेक्चर के अंदर डिटेल से फर्दर यू ओनली गेट टू व्यव दिसज़ वन्स इफ़ यू लूज़ दैम यू हैव टू री जनरेट दैम सो सेव दैम इन स्क्योर लोकेशन ठीक है मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आप यूज़र क्रिएट करते हैं तो आपको ये शो हो रही होती हैं उसी टाइम शो होती हैं उसके बाद अगर आप लूज़ कर देते हैं तो फिर ये आपको शो नहीं कर सकते आप एक्सेस की आईडी आपको शो होती है सीक्रेट एक्सेस की आपको शो नहीं हो रही होती तो अगर ये आपके पास एक दफ़ा गुम हो जाए आपसे या डिलीट हो जाए तो फिर आपको रीजनरेट करवानी पड़ेगी कि उस यूज़र के अगेंस्ट आप रीजनरेट करवा के दोबारा से कमांड uh, लाइन के थ्रू ए एस मैनेजमेंट कंसोल को एक्सेस कर सकते हैं ऑलवेज सेटअप मल्टीफेक्टर अथेंटिकेशन ऑन योर रूट अकाउंट रूट के रूट अकाउंट के ऊपर जी मल्टीफेक्टर अथेंटिकेशन मस्त सेटअप करें ए डब्ल्यू एस रिकमेंड करता है आपको यू कैन क्रिएट एंड कस्टोमाइज योर ओन पासवर्ड रोटेशन पॉलिसीज़ आप पासवर्ड रोटेशन पॉलिसीज भी कस्टमाइज क्रिएट कर सकते हैं जिस तरह की अगर आप लोगों को पता हो एक्टिव डायरेक्टली के अंदर ए डी के अंदर हम पॉलिसीज लगा देते हैं कि हमारा जो यूज़र हम जब क्रिएट करते हैं तो जब यूज़र फर्स्ट टाइम साइन इन करने की कोशिश करता है लॉग इन करने की कोशिश करते हैं तो उसे अपना पासवर्ड क्या करना पड़ता है रीसेट करना पड़ता है एडब्ल्यू एस के अंदर भी आप आई एम के अंदर भी आप कर सकते हैं आप चाहते हैं कि हर पंद्रह दिन के बाद यूज़र जो है वो पासवर्ड चेंज करे बिल्कुल आप यहाँ पे भी कर सकते हैं जब यूज़र ए डब्ल्यू एस मैनेजमेंट कंसोल के ऊपर जाएगा लॉग इन करने की कोशिश करेगा अगर पंद्रह दिन गुजर गए तो पंद्रह दिन के बाद उसे क्या करना पड़ेगा पासवर्ड जो है अपना चेंज करना पड़ेगा अगर आपने ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की हुई और इसके अलावा आप चाहते हैं कि यार आ, उसमें लेटर्स वगैरह का आप क्रिएट करना चाहते हैं कि उसमें कुछ एक लेटर कैपिटल हो नुमेरिक हो तो आप इस तरह की सेटिंग्स भी कर सकते हैं आप चाहते हैं कि आफ़्टर 90 डेज़ और 150 डेज़ या वन ईयर के बाद ये यूज़र ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाए ये सारी पॉलिसीज़ आप कर सकते हैं तो इनको हम डिटेल से देखेंगे तो चलते हैं जी मैंने लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे सर्विसेज़। सर्विसेज़ में जाकर और यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है नीचे जी सिक्योरिटी आइडेंटिटी एंड कंप्लाइंस आप आई एम क्लिक करेंगे यहाँ पे आई एम आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका रीज़न जो है ऑटोमेटिकली क्या हो गया ग्लोबल यानी कि इसके लिए आपको कोई यूज़र सॉरी uh, कोई रीज़न जो है वो सेलेक्ट नहीं करना होता ये हमारे पास डैशबोर्ड है जी ग्रुप्स यूजर्स रोल पॉलिसीज़ आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं ये सारी चीज़ें बाद में डिटेल से देखेंगे मैं आपको बताऊंगा डिलीट लो रूट एक्सेस कीज़ वो कहते हैं जब आप फर्स्ट टाइम यूज़र अकाउंट क्रिएट कर रूट अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए आपके जो रूट अकाउंट होगा जो फर्स्ट टाइम आप अकाउंट क्रिएट करते हैं रूट अकाउंट कहलाता है उसकी आप एक्सेस कीज़ क्या कर दें डिलीट कर दें क्योंकि अगर फिर जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप दोबारा से रीजनरेट करवा लेंगे क्योंकि अगर वो किसी के हाथ लग गई सिक्योरिटी कीज़ एक्सेस कीज़ और सीक्रेट एक्सेस कीज़ तो फिर आपका अकाउंट समझें आपका अकाउंट हैक हो गया ये करने के बाद आप सबसे पहले काम क्या करें फर्दर यूज़र्स क्रिएट करें यूज़र्स क्रिएट करने के बाद आप जो है वो uh, कर सकते हैं अच्छा एक और चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बतानी थी वो ये कि आपने फ़ॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र्स क्रिएट किए हैं ठीक है अभी मैं यूज़र्स क्रिएट नहीं कर रहा नेक्स्ट सेक्शन में क्रिएट करूँगा यूज़र्स क्रिएट करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक यूज़र क्रिएट किया है उस्मान उस्मान को कैसे पता चलेगा मैंने अमेजोन हमारा कौन सा अकाउंट है किस ए डब्ल्यू एस मैनेजमेंट कंसोल में जाना है तो आई एम जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें एक लिंक आ रहा है ये लिंक के अंदर ये मेरा क्या लिखा हुआ है अकाउंट नंबर लिखा हुआ है जब कोई भी यूज़र किसी को मैं बताऊंगा कि आपने कैसे लॉगिन करना है तो वो क्या उसको मैं क्या दूंगा ये लिंक दूंगा ये लिंक वो कॉपी करेगा यहाँ से, से मैं कॉपी करके भेजूंगा उसे ई मेल करूँगा वट एवर जो भी होगा वो अपने उसमें जाएगा चलें करके देख लेते हैं कंट्रोल सी और ये देखें अब ये क्या करेगा मुझे उसी स्क्रीन पे ले जाएगा जो कि मेरा अकाउंट है मेरे अकाउंट में ले जाएगा क्योंकि मैंने यूज़र कहाँ पे क्रिएट किया होगा इस अकाउंट के अंदर क्रिएट किया होगा ये देखें अकाउंट आईडी डी आई एम यूज़र नेम अब जो भी मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ क्रिएट किया हुआ है वो मैं यहाँ इंटर करूँगा और मैं उसे क्या कर सकता हूँ लॉग इन कर सकता हूँ अगर आप यूट रूट यूज़र से करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप ये देखें आप क्या कर सकते हैं रूट यूज़र से लॉगिन कर लेंगे यहाँ पर ठीक है जी तो फर्दर डिटेल से इसको बाद में देखेंगे लैब एक्चुअली थोड़ी सी लंबी है इस वजह से मैं उसको सेपरेट लेक्चर में करना चाह रहा हूँ बाकी इसको डिटेल से देखेंगे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने कैसे इनेबल करनी है आईएम पॉलिसीज़ में क्या होती हैं कैसी होती हैं मैं आपको डिटेल से बताऊंगा तो आज के लिए इतने रखते हैं भैया <coughs> कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो कमेंट में ज़रूर टाइप करें अपना क्वेश्चन टाइप करें मैं आंसर आप लोगों को देने की कोशिश करता रहता हूँ तो मुलाकात होती है इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए खुश रहें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा जी अल्लाह हाफिज़